Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing absolutely fine. मुझे पता है मैंने बहुत टाइम बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन वेरी वेरी बिजी. सो बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं ट्राई करूँगा कि आई विल बी पोस्टिंग एवरी वीकेंड. राइट, सो गाइज वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल. और ये वीडियो होने वाली है माई एक्सपीरियंस फॉर कम्प्लीटिंग वन ईयर इन कोटक महिंद्रा बैंक एज अ असिस्टेंट मैनेजर. राइट, तो इसमें ये पूरे वीडियो में आई शेयर माई एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर कि पूरे साल मेरा कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का. आई रेट इट ऑन द बेसिस ऑफ यू नो जो भी वर्क कल्चर है, जो अलग अलग पैरामीटर्स, वर्क कल्चर, स्ट्रेस, सेल्स प्रेशर, ये वेरियस डिफरेंट पैरामीटर्स फ्रॉम 1 to 10, सो यू कैन जज इट. राइट, सो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो मैं ज्वाइन हुआ था अराउंड फरवरी के इसमें, बट मेरा ट्रेनिंग हुई नहीं, वो सब खत्म होने के, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती है वो सब खत्म होते 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 15 मार्च तक हो गया था. सो आई कैलकुलेट इट फ्रॉम द न्यू फाइनेंशियल ईयर, मतलब मेरा जो साइकिल है दैट इज परफेक्टली फ्रॉम एंडिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो आई मैं जो भी मैं आपको जो ब्रीफ देने वाला हूँ पूरे मेरा पूरा जो एक साल का एक्सपीरियंस है वो मैं देने वाला हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल. ऑलराइट, सो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर 2021 में व्हेन आई जॉइंड. तो जितने भी मैं ये दूंगा आपको वो दूंगा क्वार्टर वाइज क्वार्टर, तो आई विल गिव यू 4 रिव्यूज. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वार्टर 1, तो जैसे मैंने ज्वाइन किया इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और ज्वाइन करते ही ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई 2 वीक्स की, वहाँ पे हम लोग को सब बताया गया बेसिक्स अबाउट बैंकिंग कि ऐसे ऐसे बेसिक्स होता है ऑपरेशंस के बारे में, देर वॉज अ बेसिक नॉलेज. छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं दैट वी कम्प्लीटेड, जितने भी पहले हम लोग को एक पढ़ाया जाता था और उसके ऊपर फिर एक कोर्स रहता था, फिर वो कोर्स पढ़ के हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना रहता था. सो ये कुछ 2 वीक्स तक चला था. राइट, 2 वीक्स तक ये करने के बाद फिर बाद में मेरे ऑन ग्राउंड में गया, जब OJT बोलते हैं उसको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो स्टार्ट हुई. उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ाई गई है वो एक्चुअल में करना रहता है, एंड देन वो करने के साथ साथ भी टेस्ट देने रहते हैं कुछ 15 डेज तक. राइट, तो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो वो किया मैंने 15 डेज, तो मेरा 1 महीना जो था वो एकदम, मतलब बोलते हैं ना हनीमून पीरियड, एकदम आसानी से गया, एकदम स्ट्रीमलाइन. राइट, और फिर बाद में 2 महीने भी ऐसे ही, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को सीखने में ही लग गए. मतलब 3 मंथ्स तो पहला क्वार्टर जो अगर मैं बोलूँगा इट वॉज अ लर्निंग फेज, आई लर्न अ लॉट. जितने भी बेसिक्स है जो मैंने घर पे पढ़ा था वही मैंने जब वहाँ पे जाके एक्चुअल में किया, एंड देन आई लर्न इट. सो 1 क्वार्टर का रिव्यू वॉज यू नो वेरी गुड, 8 out of 10, क्योंकि उसमें बहुत सारा लर्निंग फेज था. सो मज़ा आ रहा था, कुछ काम करने का प्रेशर नहीं था. सेकेंड जब चालू हुआ क्वार्टर 2, मतलब 4th मंथ से 6th मंथ, तो दैट वॉज द इम्प्लीमेंटेशन फेज. जितना भी मैंने लर्न किया, जितने भी, मतलब जितने भी काम होते, जैसे कस्टमर क्वेरी हैंडल करना, सर्विस रिक्वेस्ट लेना, डॉक्यूमेंटेशन एज पर कंप्लायंस करना, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब सेल्स की कैसे इनिशिएट, मतलब ऐसा प्रेशर तो नहीं था बट हाउ टू एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट, तो थोड़ा बहुत वो था बिकॉज हम लोग के KRA में भी 10-15% सेल्स का कंपोनेंट होता है, तो हाउ टू स्टार्ट डूइंग दैट. तो जो 2nd क्वार्टर का जो ये था वो मेरा इम्प्लीमेंटेशन फेज था, तो उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द काम मेरा इम्प्लीमेंट किया. तो धीरे 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 मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके साथ भी सीखते गया, नए नए चीज़ें सीखते गया, नए नए चीज़ें इम्प्लीमेंट करते गया. तो 2nd क्वार्टर का भी अच्छा रिव्यू था, मतलब ऑलमोस्ट आई कैन से 7.5 out of 10. राइट, जो 3rd क्वार्टर था, मतलब फ्रॉम द 6th to 9th मंथ्स, और वैसे भी 2nd क्वार्टर तक मेरा कन्फर्मेशन हो गया था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, सो यू कैन चेक इट, डिस्क्रिप्शन में है. बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कोटक को लेके, तो मैं सारे वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ डू चेक इट आउट, आपको बहुत कुछ पता चलेगा. राइट, 3rd जो क्वार्टर था दैट वॉज वेरी 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 रिग्रेस वर्क. मतलब हम आई स्टार्ट माई डे एट 9 AM, आई एंड इट अराउंड 10 PM, एंड देन आई लीव बाय 11, मतलब 12-13 आवर्स तो मिनिमम काम था, इतना रिग्रेस काम. ये जो मैं बता रहा हूँ ये वीक में 3 या 4 दिन का था, बाकी टाइम हम लोग वीक में लकी होके 1-2 दिन निकल जाते थे जल्दी, बट मिनिमम टू मिनिमम जितना बेयर मिनिमम काम करना था 12 घंटे तो काम करना ही रहता था. सो क्योंकि बहुत सारा लर्निंग फेज खत्म हो गया था, बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन, प्लस नाउ मैं एक ऐसे स्टेज पे था, अभी मैं एक ऐसे स्टेज पे था जहाँ पे आई हैड टू ब्रिंग सम वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक माई सीनियर्स थिंक दैट आई एम वर्थ इट. ठीक है, तो ये ऐसा फेज था.
सो क्वार्टर थ्री का तो मैं दूंगा कि अराउंड 5 out of 10. All right. So the graph is totally declining. बट देन बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखने मिली थी तो मज़ा आ रहा था. कलीग्स भी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, सीनियर्स भी अच्छे थे. और क्वार्टर फोर तक थर्ड तक आते आते मेरा एक परसेप्शन भी बन गया था. आई वॉज वर्किंग वेल, आई वॉज मतलब कोई जैसा डिसिप्लिन ही कोई इशू नहीं था. आई वॉज ओबीडियंट, आई वॉज डिसिप्लिंड और काम को लेकर ऑल्सो आई वॉज वेरी सीरियस, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी यू नो मतलब ऐसा सीनियर्स के सामने परसेप्शन बन गया था. ऑलराइट, जो लास्ट क्वार्टर है दैट इज द मेन जे एफ एम, जनवरी फरवरी मार्च. अब जिन लोग को बैंकिंग के बारे में थोड़ा भी पता है उन लोगों को पता होगा कि जे एफ एम जनवरी फरवरी मार्च इज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 3 months टू सर्वाइव इन अ बैंक इफ यू वर्किंग देयर. बिकॉज उसमें काम का तो प्रेशर होता ही, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंड है. सो लॉट ऑफ पीपल सेटल देयर अकाउंट्स, लॉट ऑफ पीपल रोटेट देयर मनीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है सर, टैक्स फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, आईटी फाइलिंग, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है. तो उसकी वजह से ऑपरेशंस का भी प्रेशर आ रहा था, प्लस लास्ट क्लोजिंग में बैंक्स को भी अपने प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है. तो उसके फाइनेंशियल ईयर के पहले भी सेल्स का बहुत प्रेशर आ गया था. ऑलराइट, ऐसा प्रेशर कि हम लोग 11:30 तक हम लोग ब्रांच में बैठे, लाइक ब्रांच क्लोज होती है 4:30 तक, बट हम लोग 11:30 तक ब्रांच में बैठे मीटिंग कर रहे हैं. ऑलराइट, सो ऐसा हो गया था. सो क्वार्टर फोर का तो आई वुड से कि इट वाज वेरी बैड. आई वुड रियली रेट इट अराउंड 2 to 1.5. वो भी क्यों कर रहा पता नहीं, बट एट द एंड एवरीथिंग वाज गुड. ऑलराइट, सो दिस वाज माय रिव्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.